हे हाय फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माय चैनल सर्व्स गुड लाइफ। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं जो जा रहा हूं वो है आरे कॉलोनी। और आरे कॉलोनी के बारे में आप सब तो जानते ही कि वहां पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हैं। तो आज देखते हैं कि हमारे इस आरे कॉलोनी के सफर में हम वहां पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जैसे कि वहां पर है छोटा काश्मीर, वहां पर है एक छोटा सा लेक जहां पर बोटिंग वगैरह भी होती है। और अभी ऐसे कोरोना टाइम में हो सकता है कि ये सारी चीजें ओपन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आज अवेलेबल है हम लोगों को देखने के लिए। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। ये है नेशनल हाईवे और आरे कॉलोनी जो है बेसिकली गोरेगांव स्टेशन से नजदीक पड़ता है और एक कनेक्टिंग है अंधेरी के लिए भी, पवई और अंधेरी मरोल के लिए भी एक कनेक्टिंग रोड है। फ्रेंड्स, अब जस्ट हम लोग आरे वाले सिग्नल पे खड़े हैं, अब जस्ट यहाँ से लेफ्ट लेंगे। जस्ट यहाँ से लेंगे लेफ्ट। बट ये अगर आप देखेंगे तो ये है आरे कॉलोनी का एंट्री। फ्रेंड्स, ये है आरे कॉलोनी की एंट्री। देखिए कितनी ग्रीनरीज है यहाँ पर, दोनों तरफ आपको ग्रीनरीज नजर आएंगे। चलिए पहले मैं आप लोगों को इस रूट पर पूरा लेके चलूंगा, लंबे रूट पर। देखिए आप, खाली ग्रीनरीज देखिए यहाँ का, इस तरफ का देखिए, इस तरफ का देखिए। वाओ, वंडरफुल ग्रीन ग्रीन एरियाज कंप्लीटली। आपको चारों तरफ ऐसे लगेगा कि हम कहीं किसी गांव में आ गए। बट लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज इन गोरेगांव, द बिजिएस्ट प्लेस इन मुंबई। आप देख रहे हैं, अभी बजे हैं शाम के करीब करीब 4। और आप देखिए यहाँ पर, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एकता कपूर की बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह भी होती है। अब देखेंगे अंदर, अगर आपको दिखेगा तो देखिए शूटिंग वैन वगैरह भी खड़ी है यहाँ पर, जो वैनिटी वैन वगैरह होती है। ईरानी चाय, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट आरे कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आरे कॉलोनी में जैसे हम लेंगे करीब आधा किलोमीटर अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर चाय वाली शॉप है जिनका नाम है ईरानी चाय शॉप। तो हम लोग जस्ट ईरानी शॉप के अंदर खड़े हैं और आप मिलिए मिस्टर अविनाश, ये हैं इस पर्टिकुलर 30 इयर्स ओल्ड शॉप के ओनर। तो आप देख सकते हैं अविनाश भाई, हाय, कैसे लग रहा 30 साल कंप्लीट करने के बाद इस शॉप को? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी 30 साल तक। और ये आरे के एंट्री पे ही आपका शॉप है तो बहुत ही प्राइम लोकेशन भी माना जाता है इसको। तो क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी दुकान की? हमारे यहाँ पे सर जो भी फूड बनता है वो सब लाइव काउंटर है। ओके, हम लोग बना के रखते हैं, उसके ऑर्डर आते हैं। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब लाइव काउंटर, जैसा ये भजिया है ये सब है मटेरियल से, रॉ मटेरियल से ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे इमीडिएटली आप लोग बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बना के देते हैं। ओके, सेम चीज यहाँ पे ईरानी चाय करके हमारे। ओके, इसमें ब्लैक टी रहता है, इसमें दूध रहता है जो प्योर बफेलो मिल्क है, इसमें वाटर एडेड नहीं है। ओके, आप अगर देख सकते हैं तो ये कुल्लड़ वाले में ये चाय सर्व करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग गांव वगैरह जाते हैं तो जनरली ये अपने को मिलता है। तो देखिए कितनी स्पेशल लग रही है ये देखने में, ये है कि नहीं? आप मुझे बताइए, ये आपके पापा वगैरह चलाते हुए आ रहे थे, कैसे इसको मतलब आप लोगों ने किया? मेरे दादाजी के टाइम से है। अच्छा, तो सबसे पहले शुरुआत किसने किया था इसका? दादाजी ने। तो दादाजी ने पिताजी के हाथ में हैंड ओवर किया, फिर पिताजी ने अभी मेरे हाथ में हैंड ओवर करके मैं 12 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, 12 साल से चला रहा है। देखा अविनाश भाई ने, करीब करीब इनके दादाजी के टाइम से ये दुकान चलते हुए आ रही है और उसके बाद में उनके पिताजी ने इस दुकान को संभाला और करीब 12 साल का एक्सपीरियंस ये दुकान चलाने का अविनाश भाई को भी है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है, 30 इयर्स की शॉप जो दादाजी की परंपरा चलते हुए पिताजी ने उसको हैंड ओवर लिया, बाद में बेटे ने, मतलब ये थर्ड जनरेशन है जो इस दुकान को चला रही है। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईरानी चाय। और ये ईरानी चाय नाम कैसे पड़ा ये? एक्चुअली ईरानी चाय है, ये ऑरिजिन इसका हैदराबाद है। अच्छा, हैदराबाद में ईरानी चाय बहुत फेमस है और उसका बनाने का तरीका अलग है। और मैं खुद हैदराबाद जाके ये उसका फॉर्मूला, उसका चाय कैसा बनाते हैं, तो हम लोग पूरा उधर से ट्रेनिंग लेके यहाँ पे हम लोग ने प्रोडक्ट चालू किए। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके यहाँ पे बनाते हैं। सो नाइस। अगर आप देखेंगे तो देखिए ईरानी चाय की प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दिस इज अ मिल्क। अब देखिए मिल्क भी कितना गाढ़ा है, प्योर, एकदम प्योर, विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ वाटर। अब देख रहे हैं देखिए कितनी गाढ़ी चाय लग रही है ये। और देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि
अविनाश भाई जो इस शॉप के ओनर है बिना किसी झिझक के वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कस्टमर्स को सर्व करने के लिए. दिस इज दी काइंड ऑफ ए गुड सर्विस व्हाट अविनाश भाई इज गिविंग टू ऑल द कस्टमर. थैंक यू अविनाश भाई. थैंक यू वेरी मच. सो फ्रेंड्स अब जस्ट हमने ईरानी चाय की चाय पी ली है. अब जस्ट निकलेंगे आगे का देखेंगे. और मेरे हिसाब से अब जस्ट करीब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा छोटा काश्मीर. तो लेट्स सी. अब देखिए ग्रीनरीज कितनी है. आप देखिए आरे कॉलोनी की सबसे खूबसूरत जगह ऐसा माना जाता है मुंबई का क्योंकि इतने सारे ट्रीज हैं यहाँ पर कि मतलब गिन नहीं सकते इतना. अब देखेंगे तो यहाँ पर आरे पुलिस स्टेशन भी है. ये है छोटा काश्मीर. अगर आप इस तरफ का गेट देखेंगे ये खुला तो है ये. सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग छोटा काश्मीर पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं ये थोड़े से चढ़ान पर है. दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर स्पेस इन आरे कॉलोनी. ये आरे कॉलोनी में जो ना एक स्पेशलिटी है कि आपको चारों तरफ जो है ना पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे. सो अभी हम लोग जस्ट यहाँ से मूव ऑन करेंगे लेक की तरफ. चलिए अभी हम लोग लेक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बोटिंग वगैरह वहां पर चालू है या नहीं है. ये विसर्जन के लिए बहुत फेमस लेक है हमारे यहाँ मुंबई में. अब देखिए इस लेक का मजा देखिए. और अगर आपको ये लेक पर आना है तो यू कैन डू ए कॉम्बिनेशन ऑफ आप छोटा काश्मीर आ सकते हैं और साथ में लेक का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं. यहाँ पर बोटिंग भी होता है आप देख सकते हैं. क्योंकि COVID-19 का टाइम चल रहा है इसकी वजह से बोटिंग वगैरह ये अलाउ नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज ये पूरा लेक का बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग अच्छे से. अभी हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ पर राइट में एक बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन मंदिर भी पड़ता है. तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्राउड है या नहीं है. यहाँ पर जो है मैं पहले वॉक करने के लिए भी आया करता था. देखिए मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था उस मंदिर का नाम है गाँव देवी मंदिर. यहाँ पर बहुत क्राउड लगता है एक टाइम पे. कुछ पर्टिकुलर सीजन है यहाँ पर. उस सीजन में अगर आप आएंगे तो कल लंबी लंबी लाइन लगती है. सबसे पुराना मंदिर है ये. अब देखिए ताई क्या बोल रहे हैं. सबसे फेमस मंदिर यही है इधर. सबसे फेमस मंदिर आरे कॉलोनी का यही है. सब लोग यही आता है. तो ताई यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सीजन में बहुत रश होता है. मैंने एक बार देखा था बहुत गर्दी लाइन लगती है ऐसा लंबा. दिसंबर में क्या टाइम पड़ता है वो. अय्यप्पा का पूजा अभी आएगा दिसंबर में. अच्छा अय्यप्पा का पूजा होता है. तो देखिए श्री अय्यप्पा जी की पूजा में यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है. बहुत क्राउड होता है. और खास करके कौन सी कम्युनिटी महाराष्ट्रियंस और साउथ इंडियंस आते हैं. सब लोग आते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स आपने सुना क्या बता रहे. दिस इज अ वेरी पॉपुलर मंदिर हियर इन दी आरे कॉलोनी. तो अगर आपको आना है इस मंदिर में तो आप आ सकते हैं गोरेगांव स्टेशन के पास से जहां से आपको ऑटो या बस मिल सकती है. और आप छोटा काश्मीर जो है लैंडमार्क बता सकते हैं. थोड़ा सा आगे आएंगे राइट लेके ये मंदिर पड़ता है. और आप आरे कॉलोनी का व्यू देखिए. यहां आपको हर तरफ ग्रीनरी ऐसे लगेगा कि आप किसी गाँव में आ गए. सो फ्रेंड्स अब जस्ट अभी हम लोग मंदिर देख चुके हैं. अब चलिए मैं यहाँ से राइट लेते हुए कुछ आगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉपुलर जगह हैं. आप अगर देखेंगे तो भाई साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर. फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं आरे कॉलोनी के सेकंड कॉर्नर पर. ये भी अगर आप देख सकते हो तो पीछे हमारे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम पंचवटी. यहाँ पर भी लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए उतरते हैं. तो अभी जस्ट अभी हम लोग यहाँ से लेंगे लेफ्ट और रॉयल पम्स के लिए देखते हैं. अगर आप देखिए ग्रीनरीज देखिए. आरे कॉलोनी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर दी डेयरी फार्मिंग. अब देख सकते हैं पे मिल्क प्रोडक्शन होता है पूरा. अब देख सकते हैं पूरा. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं जस्ट अभी एक तबेले के बाहर खड़ा हूँ. ये आरे कॉलोनी जो है ना इट्स वेरी पॉपुलर फॉर दी मिल्क प्रोडक्शंस. और ऐसे समझ में आ रहा है बात करके कि जो ये मिल्क यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है वो उनके प्राइवेट डेयरी पे जाता है. वो वहाँ से वो अपने लोकल रिटेलर्स वगैरह को सेल करते हैं. ये फिल्म सिटी का गेट तो है. ये बैक साइड का गेट है. यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है. तो मेन एंट्री पड़ती है वो संतोष नगर होते हुए जाती है वो एंट्री. ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अभी आगे मूव ऑन करते हैं रॉयल पाम्स की तरफ. अगर आप देख सकते हैं रॉयल पाम्स की मेन गेट पे एंट्री अभी हम लोग ले रहे हैं. अभी हम लोग लेफ्ट लेते हुए पूरा रॉयल पाम्स.
सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितनी हवा चल रही है। अभी हम लोग काफ़ी हिल पे हैं, ये पड़ता है रॉयल पाम्स एरिया आर ए कॉलोनी के अंदर। देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं पूरा। मैं एक बार राउंड ले रहा हूँ, आप देखिए पूरा। अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पीछे जो है इंपीरियल पैलेस, एक 7-स्टार होटल हुआ करता था ये। अभी आई डोंट नो द करंट सिचुएशन वेदर दैट इज ओपन और नॉट, है ना। कितना अच्छा लग रहा है देखिए ये आर ए कॉलोनी के अंदर, ये रॉयल पाम्स एरिया। सो फ्रेंड्स देखा आपको कैसा लगा ये रॉयल पाम्स, काफी अच्छा है ना, अट्रैक्टिव है, वेरी ग्रीनरी चारों तरफ से। ये बोलते हैं ये एरिया जो है फिल्म सिटी को कनेक्टेड है, वहाँ यहाँ से चीता वगैरह भी नीचे उतरते हैं। ऐसा कई बार अपने रॉयल पाम्स का सुना भी होगा कि यहाँ पर चीता वगैरह आपको देखने को मिल जाता है कई बार। अब देखिए पूरा घना जंगल है ये, अगर आप देखेंगे पूरा घना जंगल है ये। पूरा घना जंगल है ये। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज रॉयल पाम्स इनसाइड आर ए कॉलोनी। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना मुझे डेफिनेटली प्लीज। अगर आप इस तरफ का भी देखेंगे पूरा जंगल है, देखिए आप दिख रहे हैं पूरा जंगल जंगल है। अब देखिए सनसेट भी देखिए हो रहा है। बस अभी हम लोग आगे से राइट लेते हुए एग्जिट ले लेंगे, थोड़ा सा रिस्की एरिया भी लग रहा है क्योंकि अंधेरे में जो है काफी चैलेंज हो जाएगा यहाँ पर रात में ट्रैवल करने के लिए। तो रॉयल पाम्स थोड़ा सा साइलेंस जोन है ये। अब देख रहे हैं बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे, बिल्डिंग्स वगैरह है यहाँ पर, देखिए प्राइवेट बंगलोज भी है। अगर देखेंगे ना तो दिस इज द प्राइवेट बंगलो, यू सी दिस, वहाँ पर जो काफ़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ से मैं आपको एग्जिट दूंगा। सो हियर वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जिट टू द रॉयल पाम्स। अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे और चलेंगे थोड़ा आगे। अगर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल भी है कुछ यहाँ पर बना हुआ आरे के अंदर। सो फ्रेंड्स फाइनली वी आर डन विद द आरे कॉलोनी का टूर। सो आई एम गोइंग बैक टू माय होम। आई एम जस्ट स्टैंडिंग एट द गोरेगांव सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज एन आरे सिग्नल ऑल्सो। So I hope you will enjoy the whole journey of RA Colony. This is a little sensitive area, so please try to avoid coming in the late evening after 8:30, 9 o'clock, because the people who stay inside the RA Colony, they are aware of the things, how to travel inside the RA Colony. But if you are new to this place, so please do not come after 9 o'clock in this area, okay?